मास्टर मोता सिंह का नाम पंजाब दे विच बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि उन्हों असी देश की आज़ादी वास्ते कह लीए या पंजाब दे विच जिहड़ी बब्बर अकाली लहर है उहदा एक जन्मदाता कह दीए तो ये कोई गलत नहीं होएगा क्योंकि जो मास्टर मोता सिंह है इन्हों का जन्म जलंधर दे विच होया इन्हों दे पिता इन्हों दे दादा जो सीगे खासकर साहिब सिंह जी वो जिहड़े है वह आर्मी दे विच सीगे जिहड़े अंग्रेज़ां दे खिलाफ सेना दे नाल लड़े भी सीगे और मास्टर मोता सिंह जी पढ़े लिखे हुए सिगे लैंग्वेजेस दा बहुत इन्हां नूं पता सिगा मैट्रिकुलेशन तो बाद इन्होंने ज्ञानी की जिहड़ी असी ओनर्स इन पंजाबी कहने हैं उस तो बाद इन्होंने मुंशी फाजिल की जिहड़ी कि असी पर्शियन दी ओनर्स कहने हैं तो बी ए इन्होंने इंग्लिश दे विच की पंजाब यूनिवर्सिटी तो इन्होंने अलग अलग कॉलेजां दे विच पढ़ाया अलग अलग स्कूलों दे विच पढ़ाया ईवन इन्होंने जूनियर वर्नैकुलर एंग्लो वर्नैकुलर का कोर्स भी किया जिस दी वजह नाल इन्हां नूं पंजाबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का भी बहुत अच्छी तरह नाल ज्ञान सी ते कई स्कूलों ते कॉलेजों दे विच प्रिंसिपल दे वजों काम किया जेकर असी राजनीति की गल करते हैं तो राजनीति दे विच तकरीबन 1918-1919 ये शामिल होए वो क्यों क्योंकि रॉलेट एक्ट उदों पास होया सी अंग्रेज़ां ने एक रॉलेट एक्ट पास किया जिस दे अंदर की सी कि किसी भी व्यक्ति नूं किसी भी समय बिना किसी कारण दस्से अरैसट किया जा सकता जो कि एक बहुत ज़्यादा गलत अंदोलन मनिया गया सी गलत एक्ट मनिया गया सी उस दे खिलाफ पूरे भारत दे विच लोकां ने अलग अलग जगह ते मुजारे किते सी ते मास्टर मोता सिंह भी उन्हां दे विचों एक सीगे जिन्हां ने पंजाब दे विच इस एक्ट दे खिलाफ बहुत ज़्यादा वड्डियां वड्डियां इन्हां ने स्पीचेस दित्तियां ते उहदे अंडर ही इन्हां नूं एक वारी अरैसट किया गया सी कुछ देर फिर ये अरैसट रहे अरैसट रहण ते फिर उस समय की होया कि जेल दे विच सिखां नूं सिखां दे धर्म दे विच पग दी बहुत वड्डी अहमियत है कि पगड़ी दे नाल ही जिहड़ा सिख है वो अपने आप नूं पूर्ण संपूर्ण सिख समझदा है ते उत्थे इन्हां नूं पगड़ी पहन दी इजाजत नहीं सी हैगी जिस दे करके इन्हां ने उत्थे एक बहुत वड्डा जिहड़ा है वो अंग्रेज़ां दे खिलाफ एक मुजाहरा किया इन्हां ने भुख हड़ताल भी की ते इस करके फिर इन्हां नूं आज़ाद कर दिता गया उस जेल दे विचों पर उदों तो जिहड़ी लगन लगी हुई सी इन्हां ने वो लगन अपनी टुटन नहीं दित्ती फिर जगह जगह अंग्रेज़ सरकार दे खिलाफ भी जिहड़े है
ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ
मास्टर मोता सिंह जिन्होंने कदे विआह नहीं कराया, हमेशा जो है अपनी जिंदगी देश दे लई, अपनी कौम दे लई दित्ती, असी उन्हां दा नाम कदे नहीं भुला सकते। Thank you.